शिकार करने के भी बहुत नए तरीके हैं। फिर अभी मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना, लिमिटेड पीरियड ऑफर था, खत्म हो गया। तुम्हारी वो ईशा, ओह माय गॉड, उसकी चेहरे चेहरे सुनकर ना मेरे सिर में दर्द हो गया। किसी चीज़ के लिए तो मैं उसे You know what? Actually, we must have known. Interesting. रुको बता। मेरे साथ भाग। सोचो। वो तो मुझे आता है। खुद को बचाने के बारे में सोचो। उसे कंधे से कैसे बचाओ? क्योंकि चेरी ने भी दिया है सिकंदर उसकी कुर्बानी एंड सिकंदर बीइंग सिकंदर बट पहले ईशा की फिक्र हो रही थी और अब चेरी की भी। बताओ वो भी बताओ, लेकिन अगर चेरी को बचाते बचाते खुद कुर्बान हो गए तो फिर वीर काव्या के पास आए हैं। काव्या ने वीर को एक ऑफ़र दिया था सिकंदर को कैसे मारना है, कैसे हराना है उसके रिगार्डिंग। तो वीर आए हैं टू से दैट मैं ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहता हूँ बट ही इज़ टू लेट। तो काव्या के पास एक अलग ऑफ़र है वीर को देने के लिए, तो लेट्स सी कि वो वाला ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। पर वीर इज़ अ गुड हार्टेड पर्सन, मतलब भले ही वो पोर्ट्रे करते हैं कि आई थिंक वीर हमारे शो में वो एक नारियल है जो अंदर से बहुत कड़क होता है, बट यू नो इनसाइड इज़ अ सॉफ्ट हार्टेड मैन, सो वही है। तो काव्या बीइंग काव्या वो चिढ़ती है इस बात से, बट वीर को चेरी को बचाना है एंड वो चेरी को बचाने जाएंगे भी सिकंदर से जो कि काफ़ी डेंजरस है एंड ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ अस ऑल। तो लेट्स सी कि वहाँ चेरी को बचाने में क्या होता है क्या नहीं होता है। ट्विस्ट एंड टर्न्स यही है, ईशा भी आ चुकी है, काव्या भी है, सिकंदर भी आ गया है, सो कहीं ना कहीं सिकंदर एक थ्रेट है जो कि काव्या की भी लाइफ में है। सो लेट्स सी वेदर काव्या विल टीम अप विद अरमान वीर एंड ईशा और नॉट, और वेदर यू नो के वो अपना अलग ही कुछ अलग प्लानिंग करती रहेंगी। सो दैट इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो लेट्स वेट।